चंद्र प्रदेश के सबसे बड़े उच्च शिक्षा केंद्र पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति माननीय श्री शेखर दत्त जी, मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, मंत्री माननीय श्री मोहन अग्रवाल जी, महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक जी, कुलपति प्रोफेसर शिव कुमार पांडे जी, संकाय अध्यक्षगण, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पुत्रोत्तर विकास के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ से उपाधि एवं स्वर्ण प्राप्त हमारे विद्यार्थी विश्व स्तर पर अपनी गुणवत्ता से अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और नवाचार लाने के लिए हमारे प्रयासों का ही प्रमाण है कि राज्य में विभिन्न नए क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों पर नजर डालें तो राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। राज्य निर्माण के पूर्व जहां राज्य में केवल 3 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित थे, वही 6 राजकीय विश्वविद्यालय और 2 निजी विश्वविद्यालय संचालित है, जिनमें से 2 विश्वविद्यालय आदिवासी अंचल में स्थापित किए गए। सन 2000 में 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 74 अशासकीय महाविद्यालय है, जबकि वर्तमान में 165 शासकीय महाविद्यालय एवं 226 अशासकीय महाविद्यालय है। इनमें से आदिवासी अंचल में महाविद्यालयों की संख्या 40 से बढ़कर 71 हो गई है। शासकीय कन्या महाविद्यालयों की संख्या 15 से बढ़कर 20 हो गई। शासन ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कई पहल की है। सन 2000 में उच्च शिक्षा हेतु राज्य का बजट केवल 47.79 करोड़ था। वर्तमान में राज्य में उच्च शिक्षा के लिए 395.85 करोड़ रुपए बजट प्रावधानित है। प्राध्यापकों एवं शासकीय प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य के 18 शासकीय महाविद्यालयों में इंग्लिश लैब संचालित है, जिसके लिए 48 लाख रुपए का बजट प्रावधानित है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कई भावी कल्पनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है राज्य के प्रत्येक जिले में अंग्रेजी माध्यम के 1 महाविद्यालय की स्थापना, समस्त महाविद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देना, प्रत्येक जिले में 1 महिला छात्रावास का निर्माण कराना, केंद्रीय ग्रंथालय की स्थापना करना जो देश विदेश के प्रतिष्ठित ग्रंथालयों से इंटरनेट द्वारा जुड़ा हो। राज्य निर्माण के बाद में छत्तीसगढ़ में विकास का नया दौर शुरू हुआ है। औद्योगिक और व्यावसायिक स्थितियों में निरंतर सुधार हो रहा है। परिणामतः राज्य के विकास के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए उच्च शिक्षण संस्थाओं को सर्व सुविधाजनक संपन्न बनाने का प्रयास राज्य शासन द्वारा निरंतर कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठापूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो। हमारी कामना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उनके विषय में विशेषज्ञ बनाने के साथ साथ उनकी छिपी छिपी हुई प्रतिभा को तराशे। उन्होंने इस दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।